गजरौला राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाइड्रेशन लाइन के पोल से टकराई डीसीएम, एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गांव मोहम्मदाबाद के पास हरियाणा से लौट रहे प्रवासी मजदूरों से भरी डीसीएम हाईटेंशन लाइन के पोल से टकरा गई, जिसकी वजह से एक दर्जन से ज्यादा मजदूर बिजली करंट से झुलस गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दो की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताते चलें कि बदायूं जनपद के थाना मूसा झाक के गांव गिधौला के निवासी वेद प्रकाश, पिंकी, ज्योति, मिलान, शांति, कुलदीप, विनीता, गुड्डी, कंचन सहित 30 लोग हरियाणा के जिला पंचकुला के गांव चरनिया में ईंट भट्टे पर मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, लेकिन अब सभी मजदूरों ने लॉकडाउन से मिली छूट के दौरान काम नहीं होने के चलते अपने घर वापस लौटने की तैयारी की और 25,000 रुपये में 2 डीसीएम किराए पर करके उसमें सवार होकर अपने गृह जनपद बदायूं के लिए जाने लगे। जैसे ही उनकी डीसीएम अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गांव सुल्तानपुर ठेर मोहम्मदाबाद के पास पहुंची, वैसे ही उनकी डीसीएम हाई टेंशन लाइन के पोल से टकरा गई, जिसकी वजह से हादसे में एक दर्जन से ज़्यादा प्रवासी मजदूर बिजली के करंट में, जिनमें से 2 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया, जबकि बाकी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर इकबाल, इमरजेंसी ऑफिसर जिला अस्पताल, ने बताया कि इनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उनको बाहर रेफर कर दिया जा रहा है, जबकि बाकी का उपचार जारी है। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे पास जो आए हैं 11 लोग आए हैं जो हमने एडमिट कर लिए हैं, जो की हालत गंभीर है उनको हम रेफर करेंगे। अच्छा, असल में ये लोग जो है चंडीगढ़ के पास से आ रहे थे। जैसे ही बता रहे थे 3 डीसीएम हमने करी थी 25,000 की, और रास्ते में टोल को बाइक वहाँ ऊपर से जो तार जा रहे थे उसमें इनका सामान जो है प्लस डीसीएम का। क्या नाम है तुम्हारा? रवि नाम। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम भामपर्ती का रोड पे आए, आगे हरियाणा, हरियाणा से आए थे, मतलब बधाइयों को जा रहे थे। जो पैसे नहीं दिए आपको? हाँ, कम रुपये दिए, 25,000 काट लिए थे बाबू। अच्छा, 25,000 रुपये का जोर। हाँ, अच्छा, कितने लोग घायल हुए? गाड़ी में आए 50-60 लोग, 3 गाड़ी।